मुश्किल से अपने पंख हिला पा रही हूँ। ये गर्मी बहुत थका रही है, क्या हम थोड़ी देर रुककर आराम कर लें? अगर तुम कुछ गाओ तो हम जल्दी जा सकते हैं। सिम्बा, तुम्हें मेरी आवाज इतनी पसंद है? मुझे पसंद है मैना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम गाओ। तुम्हारी आवाज इतनी सुंदर है कि हमें उससे आगे बढ़ने का साहस मिलेगा। सिम्बा सही है, चलो। अच्छा बताओ मुझे कौन सा गाना गाना चाहिए? जंगल का गाना कैसा रहेगा? ठीक है, अगर तुम्हें इतना पसंद है तो। मैं शर्त लगा सकता हूँ, वो गाना भूल गया है। तुम्हें पता है सैम, हम इसलिए गा रहे हैं कि गर्मी से हमारा ध्यान बढ़ जाए, समझ गए ना तुम? ठीक है, हाँ, बढ़ते चलो, जीत है हमारी, आगे बढ़ो, मंजिल है हमारी। ठीक है, अब सब लोग सुनो। कुछ ही देर बाद सिम्बा और उसकी सेना पहाड़ी के नीचे से गुजरेगी। मैं चाहता हूँ कि बड़े बड़े पत्थर जमा करो उन पर फेंकने के लिए। जितने भी पत्थर हो सके जमा करो उन पर फेंकने के लिए। वो लोग चट्टान पे दबकर दफन हो जाएंगे ना? चुप रहो मंद बुद्धि, ये मेरी योजना है। मैं चाहता हूँ कि वो चट्टानों के नीचे दफन हो जाए। मैंने क्या कहा, यही तो कहा था, मेरी कभी तारीफ ही नहीं करते। अगर तुम लोगों ने वही किया जो मैंने कहा है तो आज वो लोग बचकर नहीं जाएंगे। शेर खान की जय हो, दुनिया के सबसे महान राजा। शुक्रिया शुक्रिया मेरे ईमानदार सेवकों। हे हे शेर खान, हमारे शानदार हुजूर। मैं चाहता हूँ कि ये घात उन लोगों के लिए आखिरी हो। कोई भी बचकर जाने ना पाए, उसके बाद मैं ही राजा बनूंगा। मैं तो इनकी जय जयकार कर रहा था, इन्होंने मेरे कोई। शांत हो और जैसा मैंने कहा वैसा करो। याद रखना, आज वो जिंदा न जाने पाए। उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा हुजूर, हम हर तरफ घात लगाएंगे उनके लिए। ठीक है, कोई और सवाल? नहीं हुजूर, आज बस हम उन्हें चट्टानों में दफन कर। और फिर? फिर मतलब? फिर इस पूरे राज्य पर हमारा कब्जा होगा। मेरे वफादार और समर्पित तबाकी, आप हमारे महान हुजूर हो, मैं हमेशा से आपका प्यार चाहता था, शुक्रिया। अब बकवास बंद करो और काम पर लग जाओ, और जल्दी करो। हमने इलाके का जायजा ले लिया है सिम्बा। और तुमने वहाँ क्या देखा? आगे जाके नदी के पास बहुत बड़ी लहरें आ रही हैं। अरे नहीं, लहरें खतरनाक हो सकती हैं। और बहुत तेज भी हैं। चिंता मत करो, नदी का रास्ता एकदम ठीक है, बस हमें सावधानी से चलना होगा। क्या तुमने किसी और को देखा या उनसे बात की, बताओ? नहीं, किसी को नहीं। शेर खान भी गर्मी से बेहाल होगा। उसे कभी का मत समझना, शेर खान बहुत चलाक है, वो कभी हार नहीं मानेगा। मुझे पक्का यकीन है उसने हमारे लिए कोई जाल बिछाया ही होगा। हम वहाँ वापस जाकर देखते हैं, शायद हमें कुछ दिख जाए। सुझाव के लिए शुक्रिया काओ, पर हम सबको आराम की जरूरत है। बाकियों के पास जाओ, कुछ खा लो, बाद में बात करेंगे।
रुक जाओ अब, तुम बहुत सो चुके हो, मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा। नहीं सैम, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम लोगों को भूख नहीं लगी या कुछ खा चुके हो? हम ठीक हैं सैम, पर तुम कुछ अलग लग रहे हो, आज क्या बात है? दरअसल मुझे कुछ पूछना है तुमसे। मैं सुन रहा हूँ, बोलो तुम क्या कहना चाहते हो सैम? क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ? और अगर तुम में से किसी ने वादा तोड़ा तो वो मार खाने के लायक है। सही कहा, और तुम कभी हमारा विश्वास मत करना। और उससे दोस्ती भी तोड़ दो। और तुम सबको ये बात बता देना ताकि तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा ना हो। ठीक है तो सुनो, तुम लोग लुटेरे हो, धोखेबाज हो, और मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। तुम मेरे दोस्त भी नहीं हो, मैं सबको जाके बताऊंगा। तुम लोग दोस्ती के बिल्कुल लायक नहीं हो। तुम पागल हो गए हो, क्या हो गया है तुम्हें? क्या बात है बताओ तो। तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बना के मेरा अपमान किया है, धोखेबाज हो तुम लोग। सैम रुको जरा, क्या तुम्हारे सर पे चोट लगी है? नहीं बिल्कुल नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोटू क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि वो हम पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? पागल हो गया है ये लगता है। ज्यादा मासूम बनकर नाटक मत करो और हर चीज मुझ पे मत डालो, तुम इसे और बिगाड़ रहे हो। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है सैम। शेर खान के हमले से पहले तुमने मुझे एक भुनी मुर्गी दी थी और तुमने उसे गायब कर दिया क्योंकि हमें वहाँ से जाना था। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था जब अच्छा तो तुम इसलिए इतने उदास थे। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे दोबारा दोगे। अब मुझे याद आया, मैंने तुम्हें वादा किया था। बस तुम्हें आकर हमसे कहना चाहिए था और क्या। मैं तब से बस स्वादिष्ट मुर्गी के बारे में ही सोच रहा हूँ। क्या मुझे फिर से वो मिल सकती है? बेशक, चिंता मत करो, अभी मुर्गी देता हूँ। मुझे माफ करना भूलने के लिए, क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? हाँ जरूर मोटू, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें पहले आके नहीं पूछा, लेकिन अब मैं इसे गायब करने वाला हूँ। जाओ से मजे करो। क्या सब तैयार है? तो हम सवाना के लिए पढ़ते हैं। सैम हमें जाना है, चलो। रुको मेरे लिए। जब थक जाओ तो मेरे ऊपर बैठ जाना, हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। उसे ज्यादा देर नहीं लगेगी, खाना खत्म होते ही आ जाएगा। बढ़ते चलो मंजिल है हमारी आगे बढ़ो जीत है हमारी। ये अच्छा है। मुझे पता है, पर मुझे यहाँ अच्छा महसूस नहीं हो रहा, बहुत शांति है। मुझे यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलना है। ऐसी जगह पर घात लगाना बहुत आसान होता है, हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। हम में से किसी को देखने जाना चाहिए कि आगे कोई खतरा तो नहीं है। मैंने भेजा है बकशॉट, काओ और मैना सब देख कर आए, पर उन्हें कोई नहीं दिखा। पतलू उठो, तुम्हें अपने पदक को देखना चाहिए। सोने क्यों नहीं दिया मुझे मोटू? हमला होने वाला है, हम सब बड़ी मुसीबत में हैं। ये चमक रहा है, खतरे का संकेत दे रहा है, और मैं सो रहा था। कितना बेवकूफ हूँ मैं।
सिम्बा हमारी बात सुनो। सिम्बा सिम्बा हम मुसीबत में हैं। मेरा जादुई पदक चमक रहा है और खतरा दिखा रहा है। फिर से तुमने क्या देखा पतलू? मैंने बहुत सारे पत्थरों को ऊपर से गिरते हुए देखा सिम्बा। ये शेर खान है। खतरा, हम खतरे में हैं। सब छिप जाओ जल्दी से। वो हमें मार देगा। हमें पत्थरों को रोकना होगा। चलो अपने सितारे की शक्तियों का इस्तेमाल करो बक्शॉट। मैं तुम्हें बताता हूं। पानी के भय से हमारे जाने का रास्ता रोक रहे हैं। सिम्बा वो देखो पानी के भय से। अरे नहीं बकीरा, हाथियों से जाकर कहो कि वो भैंसों से मुकाबला करें, उन्हें खदेड़ दें जल्दी से जल्दी। पानी के भैंसे इधर ही आ रहे हैं। सिम्बा चाहता है कि तुम जाकर उनसे मुकाबला करो और उनको भगा दो यहाँ से जल्दी। समझ गया, चलो साथियों चलो। बहुत अच्छे। सिम्बा को शुतुरमुर्ग बिल्कुल हमारे पीछे ही है। शुतुरमुर्ग? वो हमें वापस जाने से रोक रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि मैं उन्हें ऐसे करने दूंगा तो वो गलत हैं। सिम्बा नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे दोस्त मुसीबत में हैं। मेरे रास्ते से हटो बगीरा। लड़ाई में हर जगह तुम नहीं हो सकते सिम्बा। वैसे भी तेंदुए इनसे निपट रहे हैं, दिमाग से काम लो। सिम्बा गेंडे आ रहे हैं, गेंडे आ रहे हैं, गेंडे। हमारी तैयारी पूरी है। इतने सारे गैंडे, शुतुरमुर्ग और नदी के पास इतने सारे पत्थर, उनका मरना निश्चित है। हमारी जीत। सही कहा, तुमने बेहतरीन जगह ढूंढी है। इस बार कोई बचकर नहीं जाएगा हुजूर। अगर हम सब लोग गलती न करें तो। जबान संभाल कर तबाकी। हम सब नदी के रास्ते से ही बच सकते हैं। पर ये बहुत खतरनाक है, लहरें बहुत तेज हैं। कैसे हो सिम्बा? ओमान तुम हो? क्या मैं तब नहीं आता था जब तुम्हें नदी पार करने के लिए सवारी चाहिए होती थी? इस बार सिर्फ मैं और बक्शॉट नहीं, और भी लोग हैं। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम राजा बन गए हो तो इस यात्रा में सिर्फ तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ हैं? दोस्तों रास्ता बनाओ, अब तुम आसानी से उस पार जा सकते हो। देर मत करो, वक्त जाया नहीं कर सकते। गैंडे आ रहे हैं, गैंडे आ रहे हैं। चलो सब नदी को पार करो। मगरमच्छ हमारे दोस्त हैं, डरो मत। चलो जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके उस पार जाओ। वो कहाँ है? तुम दोनों किस लिए रुके हो? तुम्हें भी नदी के पार जाना है, जल्दी जाओ। हमें डर है कि हमने सैम को बुलाया है। वो खाना खाने के लिए वहीं रुक गया था। वो आ ही नहीं पाएगा, शेर खान की जाल में फंस कर रह जाएगा। ध्यान रखना कि सब नदी के पार पहुंच जाएं, समझ गए ना? मोटू और पतलू को अपने साथ ले जाओ।
कि हमारे छोटे दोस्त को कुछ ना हुआ। तुम्हें सिम्बा को बताना चाहिए था कि वो पीछे रह गया है। बार जीत हमारी ही होगी। मैं तो कुछ बोला भी नहीं था। क्या हुआ? गिद्धों को भेजो। सैम, सैम, तुम कहाँ हो? अरे नहीं, हाँ? वापस चलो। अच्छा काम किया फ्लैश, तुम हमेशा से ही शानदार थे। अब जल्दी करो और नदी पार करो। चलो फ्लैश, ज्यादा वक्त नहीं है। वो गिद्ध हम पर पत्थरों से हमला करने वाले हैं। मुझे कुछ करना होगा। गिद्ध हम पर हमला करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें रोको। साथियों, एक साथ हमला करना है। बचाना होगा। बचाओ मुझे। तैरो सैम, तैरो, तैरो सैम, कोशिश करो। बचाओ मुझे। अब सब सुरक्षित है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। छोड़ो भी, सब ठीक हो गया ना? पीछा करो उनका। डुबकी। सिम्बा, अगर तुम कहो तो हम शेर खान की सेना को खत्म कर सकते हैं। नहीं, हम उन्हें जाने देंगे। बदला लेने में किसी की कोई भलाई नहीं है। उन्हें शांति से जाने दो। शायद उन्हें समझ आ जाए कि शेर खान के साथ रहने से अच्छा है कि वो हमारे साथ रहें और मुझे अपना राजा माने। ठीक है, मैं अपने दोस्तों को वापस बुलाता हूँ। अब चलो, अपने मगरमच्छ दोस्तों को दिल से शुक्रिया कहते हैं। शुक्रिया। ध्यान रखना। शुक्रिया। शुक्रिया। अलविदा। फिर मिलेंगे। शुक्रिया। मगर मच्छरों ने तुम्हारी जान बचाई और तुमने उनका शुक्रिया तक अदा नहीं किया। सैम, मुझे पता है, ये सारी परेशानी मेरी वजह से हुई। ये सब मेरी गलती से हुआ। तुम्हें खाना नहीं देना चाहिए था। हाँ, और हमें तुम्हें अकेला छोड़कर भी नहीं आना चाहिए था। हाँ शुक्रिया, पर ये सब मेरी गलती है। सिम्बा और फ्लैश ने अपनी जान खतरे में डाली। हाँ, मैं अब और यहाँ रहने के काबिल नहीं हूँ। बेशक तुम हो सैम, अब हमें पता चल गया है कि तुमने अपना सबक सीख लिया है। सबक सीखा तो, पर मुश्किल से। एक बार फिर सिम्बा और उसके दोस्तों ने शेर खान को मजा चखाया और सिम्बा के नेतृत्व में सभी ने मिलकर एक साथ जीत हासिल की। आगे क्या होने वाला है ये देखने के लिए फिर मिलेंगे दोस्तों।